प्रणाम। आजकल मैंने अपने लेक्चर के लिए पूरे केरल में जाने की कोशिश कर रहा है। वो जाते वक्त मैं ऐसी बात हर दिन सुनता हूं कि हिंदू बच्ची लोग वो माता पिता के छोड़कर सीधा मुस्लिम बच्चे को ट्रैप में आते हैं। एक हिंदू बेटी अपनी कॉलेज से अपने ऑफिस से जहां वो काम करते हैं उधर से ठीक उसी प्रकार कॉलेज में पढ़ते वक्त अपनी कार्यक्रम से जो अभिनंदन मुस्लिम बच्चे लोगों से मुस्लिम चौकने से मिलते हैं, ए मुस्लिम बेटे लोग एक हिंदू बेटी की मोबाइल फोन नंबर लेकर बाद में हर बार उसको पुकारते हैं तो मोबाइल कॉन्वर्सेशन बाद में लव अफेयर के रूप में बाहर आते हैं। ते हिंदू बच्ची हिंदू बेटी अपने मां बाप को छोड़कर बाद में ये मुस्लिम कर जाते हैं तो फिर वापस आना बिल्कुल मुश्किल है। ये पूरे केरला में चल रहे हैं और बाहर भी चल रहे हैं। ये हिंदू बेटी लोग इतने इतने न्यूज सुनते हैं कि लव जिहाद चल रहे हैं सभी जगह में। एक बार हिंदू खानदान को छोड़कर हिंदू घर छोड़कर एक बार मुस्लिम के घर गए तो ये मुस्लिम बच्चे को बेटे को शादी किए तो फिर वापस आना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन कोई एक मुस्लिम भी एक ईसाई भी एक हिंदू घर में आने वाला नहीं है। वो अपने रिलीजन में अपने धर्म में ईसाई धर्म में या इस्लाम धर्म में बिल्कुल फंसे तो हिंदू बेटी लोगों को हिंदी बेटे को उधर लेकर कन्वर्शन करके उधर ही लेते हैं। तो अपने आप हिंदू धर्म की महत्व बिना जानने के बाद बिल्कुल अनजान होकर अपने धर्म की महत्व के बारे में कुछ भी बात बेटी लोगों को बेटे लोगों को हिंदू बेटी को हिंदू बेटे को मालूम नहीं है। फिर ए ईसाई धर्म में जाकर कन्वर्शन करके और इस्लाम में जाकर उधर कन्वर्शन होके वो घर में रहते वक्त हर दिन आंसू बहाती रहती है, हर दिन अपनी अपने दर्द की सफर करके अपने जीवन पूरे एक ईसाई बनकर या मुस्लिम बनकर उधर जीना पड़ता है। मैं आप मां बाप से बताता हूं अपने बेटी के बारे में बिल्कुल सोच रहो, आप बेटी के बारे में सोचकर अपनी बेटी को बिल्कुल पालन करो। हर हिंदू बेटी को मैं बताना चाहता हूं कि अपने आप स्वयं रक्षा करो। एक ईसाई घर में या मुस्लिम घर में जाने के बाद उधर शादी करके जीने के बाद अपने स्वतंत्र हिंदू धर्म के बारे में सोचे तो भी वापस आना बिल्कुल मुश्किल है। तो अपने धर्म के बारे में आप बिल्कुल पढ़कर सीखकर अपने धर्म की महत्व मालूम कर इतनी स्वतंत्रता से रहने के लिए कोई दूसरा धर्म अनुवाद आपको परमिशन नहीं देते हैं। हिंदू धर्म में भी इतना स्वतंत्र रह सकते हैं कि आपको ईश्वर विश्वासी होना की स्वतंत्रता भी है तो निरीश्वरवादी के रूप में जीने की स्वतंत्रता भी है। हिंदू धर्म आपके ऊपर कोई नियम की कोई रूल रेगुलेशन की कंट्रोल नहीं करते हैं। फिर भी आप एक महासागर से आप एक टुकड़े टुकड़े हुए एक कूपा में जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप पालन करो रक्षा करने के लिए। सभी हिंदू बेटियों को मैं आह्वान देता हूं, माता पिता से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने बेटी लोगों की केयरफुल बिल्कुल सीरियस होकर
पालन करना है, रक्षा करना है, वो लव जिहाद में ट्रैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रणाम, नमस्कार।